वंदे मातरम दर्शक मित्रों, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज नेटवर्क और मैं अभिषेक। जीवन जीना, रक्तदान, मृत्यु के बाद अंगदान आज हकीकत बनता है। सेवायुत फाउंडेशन 30 वर्षों से रक्तदान सेवा कर रही है। एक समर्पित पिता ने अपने बेटे को अंगदान करने का निर्णय लेकर समाज के लिए एक नया मानक स्थापित किया। नाम उसका है आशीष वेणुभाई शाखिया, उम्र 41 वर्ष, व्यवसाय कढ़ाई का कार्य करते हैं। ग्राम बोरा कटड़ा, जिला गोंडल, राजकोट से। निवास स्थान है 109 स्वाति सोसा, नाना बराचा, कपोतरा, सूरत। पारिवारिक विवरण उनका इस तरह से है। उनका पारिवारिक विवरण जो है, सेजल बहन आशीष भाई साखिया उनकी पत्नी है, जो अंग दान करने के लिए उन्होंने भी कहा। वैदी आशीष भाई साखिया मृत्यु हो गई है, 17 वर्ष की बेटी थी उनकी। और वत्सल आशीष भाई साखिया की मृत्यु 13 वर्ष पहले हुई है, उन्होंने भी अंगदान दिया। विनू भाई, लवजी भाई शाखिया वे पिता हैं। प्रभा बहन विनू भाई शाखिया उनकी माता हैं। आनंद भाई विनू भाई शाखिया जो भाई हैं। तृप्ति बहन आनंद भाई शाखिया उनकी मृत्यु हो चुकी है, और उनकी बेटी है आनंद भाई शिया आनंद भाई जो 5 वर्ष की। आशीष और उनका पूरा परिवार सेवा यूथ क्लब गोंडल ग्रुप सूरत और सार्थक ग्रुप सूरत के सदस्य हैं, जो 30 वर्षों से अधिक समय से रक्तदान का आयोजन कर रहा है। सेवा युद्ध क्लब गोंडल ग्रुप से हाल में 30वां रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 725 रक्त यूनिट एकत्र की गई। आशीष भाई सेवा वार क्लब गोंडल ग्रुप और सार्थक ग्रुप गोंडल के सदस्य, जो संगठन के अध्यक्ष टीके द्वारा स्थापित सेवा भावी संगठन है, पटेल और केडी पटेल यह समूह 42 सदस्यों द्वारा चलाया जाता है। यह सामूहिक आर्थिक रूप से जरूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं। अपने बजट के उपयोग के अनुसार उन्होंने समूह के सदस्यों पर आर्थिक रूप से बोझ न पड़े इसका काफी ध्यान रखा। दो दिन पहले आशीष भाई अपने एक दोस्त के साथ बैठकर बात किए और उन्होंने उनकी तत्काल जीव निकल आई। दोस्त उनके सूरत विनेश हॉस्पिटल ले गए। उनकी रिपोर्ट करने के बाद पता चला कि इनकी मास्टिक समस्या, जो मस्तिष्क में समस्या यानी ब्रेन हेमरेज जैसा उनके दिक्कत हो गई। उपचार हुआ। संजय डॉक्टर आकाश बराड, डॉक्टर जिग्नेश जांगड़िया और प्रेक्षा गोयल द्वारा इन्हें ब्रांडेड किया गया। तलाविया जीवनदीप ऑर्गन डोनेशन फाउंडेशन ट्रस्ट सूरत पाछला 30 वर्षथी सेवा युथ क्लब गोंडल सूरत द्वारा अनेक सेवाकीय प्रवृत्ति કરવામાં આવે છે। એ પૈકીની રક્તદાનની જે સેવા છે, રક્તદાનના જે કેમ્પો કરવા છે એમાં એ અગ્રેસર છે। છેલ્લા 30 વર્ષથી તેઓ નિયમિતપણે રક્તદાન કેમ્પોનું આયોજન કરતા આવ્યા છે। તેઓએ હમણાં જ 725 રક્ત યુનિટ એકત્રિત કર્યું અને સમાજને આપ્યું છે। ત્યારે એ જ ગ્રુપના સભ્ય વિનુભાઈ સખિયા, જેમના દીકરાનું બ્રેન્ડેડ થતાં તેઓએ અંગદાન કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો। સેવા યુથ ક્લબ ગોંડલના સભ્યો દ્વારા જ્યારે આ નિર્ણય લેવાનો હતો ત્યારે ટીકે પટેલ, ડીકે પટેલ, મનીષભાઈ, રાકેશભાઈ, ભાવેશભાઈ ભુવા સહિત તમામ મિત્રોએ પરિવારને ઉંબળ આપ્યું અને કહ્યું કે આ અંગો થકી જો અન્યને નવજીવન મળતું હોય તો આપણે 100% અંગદાન કરવું જોઈએ અને પરિવારને ઉંબળ પૂરું મળતા તેઓએ અંગદાનનો નિર્ણય કર્યો હતો। આ સેવા યુથ ક્લબ ફાઉન્ડેશન જે છે તે છેલ્લા 30 વર્ષોથી રક્તદાન કેમ્પ યોજી રહ્યું છે। તાજેતરમાં જ હમણાં તેઓએ 30મો રક્તદાન કેમ્પ યોજ્યો હતો, તેમાં તેઓએ 725 યુનિટ એકત્રિત કરી અને સમાજને આપ્યું હતું। ગતરોજ વિનસ હોસ્પિટલ ખાતેથી અમને ફોન આવ્યો હતો ડૉક્ટર સંજયભાઈ ખૂંટનો કે અહીંયા એક પેશન્ટ બ્રેન્ડેડ છે, તો આપ આવો અને પરિવારને મળો। આ દર્દીના અંગો થકી અન્ય 6 લોકોને નવજીવન મળ્યું છે, એક લીવર, 2 કિડની, 1 હૃદય અને 2 ચક્ષુઓનું દાન મળ્યું છે। હૃદય યુએન મહેતા અમદાવાદ ખાતે મોકલવામાં આવ્યું છે। ઝાયડસ હોસ્પિટલ ખાતે લીવર અને કિડનીઓનું દાન સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું, તેમજ લોકદ્રષ્ટિ ચક્ષુ બેંક તરફથી 2 ચક્ષુઓનું દાન સ્વીકારવામાં આવ્યું હતું। આગળની જાણકારી કે લે બને રહે, દેખતે રહે સ્ટાર ન્યૂઝ નેટવર્ક। જય હિન્દ, જય ભારત।